नमस्कार, हिमाचल अभी अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। नेशनल पेंशन सिस्टम में नए नियम शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। इससे एनपीएस के दायरे में आने वाले कर्मचारियों के लिए पैसा निकालना बहुत आसान और फायदेमंद हो जाएगा। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इन बदलावों को धरातल पर लाने की पूरी तैयारी कर ली है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 27 अक्टूबर 2023 को जारी सर्कुलर में स्पष्ट कर दिया था कि वो नियम 3 और नियम 4 में बदलाव तय समय के बाद पैसा निकासी के लिए सिस्टमैटिक लंप सम विड्रॉल शुरू करने जा रहा है। इसके तहत एनपीएस खाता धारक पेंशन फंड में जमा राशि का 60% तक निकाल पाएंगे। सिस्टमैटिक लंप सम विड्रॉल में आपको आपकी सुविधा के अनुसार 75 साल की उम्र तक मासिक, त्रिमासिक, अर्धवार्षिक या फिर वार्षिक आधार पर पैसा निकालने की छूट रहेगी। आसान शब्दों में अगर इसको समझना चाहें तो ये म्यूचुअल फंड के तहत मिलने वाले सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान जैसा ही है। एनपीएस के दायरे में आने वाले लोग अपने चुने हुए समय अंतराल के अंतर्गत पैसा निकाल पाएंगे। इसके तहत 60 की उम्र पर पहुंचने पर आप 40% फंड से जो भी ऑप्शन चुनेंगे उसके तहत 75 साल की उम्र तक रिटायर्ड कर्मचारियों को लगातार भुगतान होता रहेगा। बाकी के 60% फंड को आप एक साथ SLW के अंतर्गत सिस्टमैटिक निकाल सकेंगे। SLW की मदद से पेंशन धारकों को लगातार पैसा मिलता रहेगा। इससे रिटायरमेंट के बाद उनकी निश्चित आय बनी रहेगी और खर्चों का बोझ नहीं आएगा। इस प्रक्रिया में ऑप्शन चुनने का मौका एक बार मिलेगा। रिटायरमेंट के बाद भी एक निश्चित आय की चाहत रखने वालों को इस स्कीम से बहुत फायदा पहुंचेगा। रिटायर होते समय इसका लाभ लिया जा सकेगा। एनपीएस भारत सरकार द्वारा चलाया गया प्रोग्राम है जो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की देखरेख में संचालित होता है। एनपीएस द्वारा इक्विटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कॉर्पोरेट बॉन्ड समेत कई जगह पैसे का निवेश किया जाता है। इस तरीके से एनपीएस अपने रिटायरमेंट फंड को मजबूत करता रहता है। जानकारी में इतना ही। नमस्कार।